ब्रेक के बाद फास्ट मनी में आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले आपको 10 ट्रेड्स बताए गए, लेकिन आगे बढ़ते हैं। मेरे पोर्टफोलियो में खरीदारी के ही सौदे हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर पर नजर रखें। कुछ चुनिंदा कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस के स्टॉक्स जो हैं वो काफी लाइमलाइट में है। कल के सत्र में भी मैंने एक स्टॉक चुना था, जॉनसन कंट्रोल हिताची, वहां पर काफी स्ट्रांगली गेंस मिलते हुए नजर आए। ये स्टॉक भी चल सकता है। 4% की तेजी पिछले सत्र में बनी। 5 सत्रों के औसत डिलीवरी वॉल्यूम्स जो 79% के, यानी कि डिलीवरी बेस बाइंग देखने को मिल रही है और कंज्यूमर ड्यूरेबल स्टॉक्स इस समय कहीं ना कहीं फोकस में है। 232 के लेवल की क्लोजिंग है। 228 का एक स्टॉप लॉस लगा लें आज के लिए। 240 तक के टारगेट जो है क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर्स पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप। बिरला कॉर्प एक और शेयर, मूव बहुत पॉजिटिव है, लेकिन ये चाल रुकेगी नहीं ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये अब नए लेवल्स छू रहा है। खबर कल ये थी कि MSCI ग्लोबल स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा बन गई है कंपनी। कल के सत्र में उसका रिएक्शन देखने को मिला। अब तक के उच्चतम स्तर पे है शेयर, यानी कि अनचार्टेड टेरिटरी में है, और अब यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉसिबल टारगेट है वो है 905। बाजार पे मूव पॉजिटिव बना तो बिरला कॉर्प उसको आउट परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। आप स्टॉप लॉस रखें 884 का, और 905 तक के टारगेट जो है बिरला कॉर्प पे देखे जा सकते हैं। और सीमेंट पैक पे भी अट्रैक्टिव प्ले हो रहा है। टू व्हीलर शेयरों में तेजी देखने को मिल सकती है। इससे पहले उन्हें हीरो मोटोकॉर्प को उतारा, अब TVS मोटर पे भी आप नजर रख के चलिए। कल इनके भी बाजार बंद होने के बाद मई बिक्री के आंकड़े आए हैं। 16% टोटल बिक्री में बढ़त देखने को मिली है, और बाजार मान के चल रहा था कि 4-5% के आसपास की बढ़त आएगी। आप चाहे एक्सपोर्ट्स की बात कीजिए, टू व्हीलर की बात कीजिए, थ्री व्हीलर की बात कीजिए, यानी कि तीनों सेगमेंट्स में ग्रोथ देखने को मिली है। और कई महीनों के बाद हम देख रहे हैं कि TVS मोटर के जो नंबर्स हैं इस तरह के देखने को मिले हैं। मुझे याद है रजत, एक बार इनके नंबर्स आए थे, 1 या 2 क्वार्टर पहले की बात है, 6% के आसपास के मार्जिन से उन्होंने रिपोर्ट किए थे। बड़ी पिटाई उस समय इस काउंटर की देखने को मिली थी, और इनके जो ग्रोथ टारगेट्स हैं, इनके जो मार्जिन्स हैं 10% करने की बात मैनेजमेंट ने करी थी। उस समय ब्रोकिंग हाउसेस ने कहा था कि काफ़ी दूर नजर आता है, इनके लिए इनको काफ़ी बड़ी बढ़त दिखानी होगी अपने सेल्स वॉल्यूम में। और अब कहीं ना कहीं वैसे नंबर्स हैं, कंपनी रिपोर्ट करना शुरू कर चुकी है, और वहां से अच्छी खासी रिकवरी भी इस काउंटर में देखने को मिल चुकी है। मुझे लगता है कि जिस तरह के नंबर्स इसने रिपोर्ट किए हैं और तीनों सेगमेंट में जिस तरह से बढ़त आई है, आज इस काउंटर में बड़े गेंस देखने को मिल सकते हैं। आज के लिए 550 रुपये का पहला टारगेट लेकर खरीदारी करें। 530 रुपये के आसपास आपको इसमें स्टॉप लॉस भी रखना होगा। इसके अलावा एक और ऐसी कंपनी जिसमें आज बड़े मूव देखने को मिल सकते हैं वो है आदित्य बिरला मनी का। एबी मनी के नाम से आपको ये काउंटर नजर आएगा। देखिए इसमें जो ट्रिगर है, इस पूरी जो ग्रुप कंपनीज हैं आदित्य बिरला नूवो, ग्रासिम और आदित्य बिरला फाइनेंशियल सर्विसेज, उनमें अगर आप देखें मर्जर होने जा रहा है। उसकी जो कल मंजूरी NCLT यानी कि नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की ओर से देखने को मिली है। अब कहीं ना कहीं जो मर्जर प्रोसेस है वो अपने एंड की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें एक के बाद एक जो रेगुलेटर्स हैं उनकी ओर से मंजूरी मिल रही है। और ये मुझे लगता है कि AB मनी जैसी जो कंपनीज हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर है। देखिए जब ये मर्जर की खबरें आई थी उस समय इस काउंटर ने 70 रुपये आसपास की जो ऊंचाई थी वो छुआ था, और वहाँ से करीब करीब 20 रुपये यानी कि करीब 30% के आसपास का फॉल ऑलरेडी इस काउंटर में देखने को मिल चुका है। ये मर्जर अगर कंप्लीट होना है नियर फ्यूचर में तो AB मनी एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी उसका हो सकता है। और जिस तरह का करेक्शन हो चुका है और अब जिस तरह से एक के बाद एक मंजूरियाँ आ रही हैं, मुझे लगता है कि इस काउंटर में फिर से अब एक तरफा ऊपर की चाल आती हुई दिखेगी। आज के लिए 53 का लेवल आसानी से पार होता हुआ दिखेगा, तेजी बना के चलें 51 रुपये के आसपास का, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस लगाना न भूलें। अगला स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो में बैंकिंग क्षेत्र से होगा, फेडरल बैंक, जिसको मैंने उतारा है पोर्टफोलियो में अंतिम सत्र में। यहाँ पर भी खरीदारी देखने को मिल रही थी। टारगेट्स 120 तक के एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 115 का एक स्टॉप लॉस रखना होगा, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अभी भी आपके फेवर में है। और जून वायदा में 4% ओपन इंटरेस्ट बढ़ा, तेजी की पोजीशन ज्यादा बनती हुई नजर है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि जो छोटे मझौले बैंक से यहाँ पर काफी स्ट्रांगली एक्यूमुलेशन इस समय देखने को मिल रही है, और ये मूवर साबित होंगे। अच्छी पार्टिसिपेशन है, 120 का टारगेट रहेगा, 115 का एक स्टॉप लॉस रखें। फार्मा पैक अट्रैक्टिव प्ले है वायदा बाजार पे। पिरामिड एंटरप्राइजेस जब से लिस्ट हुई है ये पर्टिकुलर कंपनी वायदा बाजार पे, तब से काफी स्ट्रांगली रिटर्न्स दे रही है, और ये पुल बैक अभी और जारी रहेगा। 2816 के लेवल की क्लोजिंग है। 2805 का एक स्टॉप लॉस लगाएं। आज के सत्र में भी 2845 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले आशीष चंद्रमोदी साहब ने एक कॉल भी दी थी हमारे चैनल पे, जिसमें उन्होंने बोला था कि पिरामिड एंटरप्राइजेस चढ़ सकता है। देखिए उस दिन तो नहीं चला, लेकिन उसके 1-2 दिन बाद इस स्टॉक पे काफ़ी स्ट्रांगली गेंस बनते हुए नजर आए, और ये इस सीरीज में काफ़ी स्ट्रांगली एक्यूमुलेट हो सकता है। अच्छा पार्टिसिपेशन है। आज के लिए टारगेट है 2845 का, स्टॉप लॉस 2805 का मेंटेन करना होगा। रजत आपने कहा जब से ये FNO में लिस्ट हुआ है तब से काफ़ी अच्छे गेंस देखने को मिल रहे हैं, यानी कि FNO शेयरों पे आप काफ़ी अच्छी पकड़ रखते हैं। मैं फिर से टेम्प्टेड हूँ आज पूछने के लिए कि आप तेजी के सौदे तो लाते हैं, ये जब से FNO में आए आप उसे ट्रैक कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि अच्छी खासी गेंस बने। जब बाजार नए रिकॉर्ड छूते रहेगा मेरे पोर्टफोलियो में बिकवाली के सौदे बहुत कम। मेरा सवाल सिंपल है, क्या अगर बाजार रिकॉर्ड पर रहेगा किसी शेयर में बिकवाली या गिरावट नहीं आएगी? न्यूज़ के दम पे बन सकती है, लेकिन वायदा बाजार पे ऐसे आइडेंटिफाई करने स्टॉक्स बहुत मुश्किल हो जाते हैं, क्योंकि एक डिप आती है ना उसको अगले दिन ट्रेडर्स बहुत स्ट्रांगली तरीके से एक्यूमुलेट करते हैं उन स्टॉक्स को। तो ऐसा नहीं कह सकते कि जैसे टूट रहे हैं स्टॉक्स फार्मा पैक में एकदम से 40% की। मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूं जो ऐसा नहीं है, वो है IOC का काउंटर। देखिए कल भी करीब 3% के आसपास की गिरावट थी, उसको आज क्या कर रहे हैं टूटेगा तो आज का चढ़ेगा वो फिर
मुश्किल है ना आपके बोर्डवेल बिकवाली की कॉल तो नहीं आया ऐसे? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं MRPL एक ऑयल एंड गैस प्ले है उसके साथ आगे जाना चाहूंगा। देखिए कल भी इस काउंटर में काफी अच्छे गेंस बनते हुए दिख रहे थे। कल ऐसी खबरें थी कि HPCL में जो सरकारी हिस्सेदारी है उसे ONGC खरीदेगा और साल अंत तक ये सौदा होता हुआ नजर आ सकता है। शायद 28-29,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये डील है, जिससे अगर आप देखें ONGC के ऊपर प्रेशर आएगा, HPCL का जो कारोबार है पूरा ट्रांसफर होता हुआ दिखेगा ONGC में, लेकिन जो बेनिफिशियरी है वो शायद MRPL होगा, क्योंकि जिस तरह का स्केल है, जिस तरह की एक्सपर्टीज है HPCL की, जिस तरह की रिफाइनरीज हैं, अगर वो MRPL के पास आती हुई दिखेंगी तो जाहिर सी बात है इनके कारोबार में एक बड़ा फिलिप आता हुआ दिखेगा। MRPL में मुझे लगता है कि इन ट्रिगर्स के दम पे आज भी खरीदारी देखने को मिलेगी। कल वैसे भी क्रूड 1% गिरा है, वो रिफाइनिंग कंपनीज के लिए पॉजिटिव है। MRPL में 140 का टारगेट लेके खरीदारी करें, 132 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा। और ऑटो एंसलरी एज अ पैक में मुंजाल ऑटो एक ऐसा काउंटर है जो कि वैल्यूएशन वाइज काफी अट्रैक्टिव नजर आ रहा है। देखिए हीरो मोटो के जो नंबर्स आए हैं वो तो काफी पॉजिटिव हैं, लेकिन ओवरऑल भी अगर आप देखें तो बाकी कंपनीज में जो नंबर्स आ रहे हैं मई ऑटो सेल्स के, वो कहीं ना कहीं अनुमान से बेटर ही ज्यादा कंपनीज पे देखने को मिले हैं। तो उसका ऑटो एंसलरी एज अ पैक में काफी अच्छा इंटरेस्ट देखने को मिलेगा। मुझे लगता है कि मुंजाल ऑटो को हीरो मोटो के नंबर्स का तो पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा, लेकिन जो वैल्यूएशन प्ले है वो भी काफी अट्रैक्टिव है। आज के लिए 115 का टारगेट लेके खरीदारी करें, 110 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस भी रखना होगा। चलिए 18 ट्रेड्स आपको बता दिए गए, तमाम शेयर्स खरीदारी की साइड पे हैं। आज का सुपरहिट शेयर कौन सा है वो भी देख लेते हैं। सुप्रीम पेट्रो इस स्टॉक पे काफी अट्रैक्टिव बेट लगती हुई नजर आएगी, क्योंकि देखिए पिछले कुछ महीनों में मूव तो किया था ये स्टॉक, लेकिन ऊपरी स्तरों पे हल्का दबाव मुनाफा वसूली आ गई, अब निचले स्तरों से पलटा है ये स्टॉक। इंपॉर्टेंट ये है कि पेट्रोकेमिकल शेयर्स पे खरीदारी लौटी है और 3 तिमाहियों से लगातार मुनाफे में, चाहे बॉटम लाइन देख लें या फिर ऑपरेटिंग सेट ऑफ प्रॉफिट जो है वो देख लें, काफी स्ट्रांगली बढ़त देखने को मिल रही है लगातार तिमाही दर तिमाही। और इस बार भी 54 करोड़ से बढ़कर 69 करोड़ की बॉटम लाइन कंपनी दर्ज की, 86 करोड़ से बढ़कर 109 करोड़ का ऑपरेटिंग मुनाफा कंपनी ने दर्ज किया। डिलीवरी वॉल्यूम्स काफी स्ट्रांगली देखने को मिल रहे हैं और नतीजे बेहतर हैं, यहां से और चढ़ सकता है ये स्टॉक। अब 422 तक के टारगेट्स के लिए अप्रोच करें मेरे पोर्टफोलियो में, बतौर सुपरहिट शेयर शामिल है 402 का एक स्टॉप लॉस सुप्रीम पेट्रो के लिए आज के लिए। NBCC को आज मैं सुपरहिट के तौर पर उतारना चाहूंगा। देखिए अगर आप टेम्पटेड हैं रियल एस्टेट में, अगर आपको किसी स्पेस में बाई करने ही है, तो NBCC एक ऐसा काउंटर है जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव हो सकता है। देखिए इस कंपनी में अब खबरें ये निकल के सामने आ रही है कि दिल्ली में कमर्शियल स्पेस बेचने के लिए कंपनी ई ऑक्शन का रूट अपना सकती है, जिसमें शायद 1100 करोड़ रुपये के आसपास की रकम इनको एक नरोजी नगर प्रोजेक्ट है वहीं से आते हुए दिख सकती है। तो ओवरऑल देखा जाए कारोबार तो अच्छा है ही है, इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रांग है, लगातार इनके मार्जिन में इंप्रूवमेंट हो रहा है, लेकिन उसके साथ साथ अब ये अपने कमर्शियल स्पेस को ई ऑक्शन करेगी वो अपने आप एक नया पॉजिटिव ट्रिगर इस कंपनी के लिए हो सकता है। मुझे लगता है कि इन ट्रिगर्स के दम पर आज अच्छी खासी तेजी बनेगी। 198 का पहला टारगेट लेकर इसमें खरीदारी करें, 191 रुपए का स्टॉप लगाना न भूलें। चलिए तो तमाम 20 स्टॉक्स आपको बता दिए गए, लेकिन फटाफट से रीके आप देख लेते हैं सभी खरीदारी के सौदे हैं। शुरुआत जो मैंने की है वो है कर्नाटका बैंक से, बैंकिंग अट्रैक्टिव प्ले कल हुआ लेटर हाफ में। आज के लिए कर्नाटका बैंक पे टारगेट है 184, स्टॉप लॉस 177। केएनआर कंस्ट्रक्शन खरीदते हैं तो 214 का टारगेट है, 205 का एक स्टॉप लॉस लगाना होगा। GSPL लेटर हाफ में बहुत स्ट्रांगली गेन कर रहा था, अब 181 का टारगेट है, 176.5 का स्टॉप लॉस लगाएं। बतौर EPS शेयर मेरे पोर्टफोलियो में शामिल है जयश्री टी, आज तमाम चाय कॉफी शेयर्स पे तेजी देखने को मिल सकती है। 98 का टारगेट है, 92 का स्टॉप लॉस। FMCG पैक में डाबर अट्रैक्टिव प्ले है, वायदा बाजार के आंकड़े पॉजिटिव है, 292 का टारगेट रखें इस पे। इसके अलावा क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर जैसे स्टॉक्स पे आप मोमेंटम प्ले कर सकते हैं, कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में मोमेंटम है इस समय। बिरला कॉप और फेडरल बैंक को मैंने उतारा है पोर्टफोलियो में, दोनों ही स्टॉक्स पे खरीदारी की एडवाइस रहेगी। पिरामल एंटरप्राइजेस पे बिल्डअप बहुत स्ट्रॉन्ग है, 2845 का टारगेट, 2805 का एक स्टॉप लॉस। और बतौर सुपरहिट शेयर मैंने शामिल किया है सुप्रीम पेट्रो को, जिसमें आज का टारगेट है 422, स्टॉप लॉस 402। मैंने भी आपको 10 स्टेट्स खरीदारी के बताए थे। टू व्हीलर स्पेस की कंपनी हीरो मोटो के साथ शुरुआत करी थी, बिक्री के आंकड़े आए पॉजिटिव रहे हैं, 3810 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। अदानी पावर मुंद्रा प्लांट को बेचने की योजना पॉजिटिव ट्रिगर है, 2810 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। बेयर क्रॉप बायबैक के ऊपर विचार करेगी कंपनी, 4650 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। RPP इंफ्रा खुलने दें, सेटल होने के बाद इसमें खरीदारी करें, कल ब्लॉक डील हुई, बड़े निवेशकों ने हिस्सा खरीदा है, 225 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। मिड कैप बैंक में हम देख रहे हैं काफी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट चल रहा है, DCB बैंक में आज के लिए 206 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। एक और टू व्हीलर स्पेस की कंपनी TVS मोटर, इसके भी बिक्री के आंकड़े काफी स्ट्रांग रहे हैं, आज के लिए 550 रुपए का टारगेट प्राइस होगा। आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी है AB मनी, इसमें आप खरीदारी करें, NCLT से मर्जर को मंजूरी मिली है, 531 का आपको टारगेट रखना होगा। MRPL कल भी चढ़ा था, आज भी शायद तेजी रह सकती है, 140 का लक्ष्य लेकर खरीदारी करें। ऑटो स्पेस के जिस तरह के आंकड़े आ रहे हैं बिक्री के, उसका फायदा ऑटो एंसलरी में भी आएगा। मुंजाल ऑटो में आज के लिए 115 का टारगेट लेकर खरीदारी करें। NBCC कमर्शियल प्रॉपर्टीज को दिल्ली में ई ऑक्शन करेगी, नया ट्रिगर है इस कंपनी के लिए, 198 का टारगेट लेकर इसे खरीदारी करें, सुपर हिट शामिल किया था, 191 रुपए का आपको इसमें स्टॉप लॉस रखना होगा।